दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। दरअसल केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उसने नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। मुख्य सचिव की इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। दरअसल दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफी की गई। शराब कारोबारियों को टेंडर में 144 करोड़ से ज्यादा की छूट दी गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि साल 2016 में जब हमारी सरकार को एक साल हुए थे तब भी केंद्र सरकार घबराई थी और कोशिश हुई कि केजरीवाल सरकार के काम रोके जाएं। तब के एलजी को प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश मिला और शिंगलू कमेटी बनाकर हमारी 400 फाइलों की जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं निकला। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है नई एक्साइज पॉलिसी जिसे लेकर ये सारा बवाल शुरू हुआ है। दरअसल दिल्ली सरकार ने पिछले साल अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे। अब तक नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुल चुकी हैं। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, जबकि दिल्ली बीजेपी ने इस नई नीति का विरोध किया था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया जब हाल ही में केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल एलजी सक्सेना ने हाल ही में केजरीवाल की सिंगापुर जाने की अनुमति वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। उन्होंने केजरीवाल को सिंगापुर समिट में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि ये मेयरों का समिट है। अब माना जा रहा है कि शराब नीति को लेकर एलजी के इस कदम के बाद टकराव और बढ़ सकता है। बहरहाल हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।